नाउ वी विल लर्न अबाउट बाथरूम। बाथरूम वो कमरा है जहाँ पर हम नहाते हैं। आप सबके घर में बाथरूम होगा और बाथरूम में डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें भी होती हैं नहाने के लिए, बाल्टी, मग, सोप और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो चलिए अब मैं आपको उन चीज़ों के बारे में बताती हूँ। सबसे पहले बाथरूम में क्या होता है, टॉयलेट सीट होती है। कुछ बाथरूम्स कंबाइंड होते हैं, कुछ डिफरेंट होते हैं कि टॉयलेट अलग होता है और नहाने का बाथरूम अलग होता है। आफ्टर देन मिरर, एक शीशा होता है जहाँ पे हम अपने आप को देखते हैं कि हम कैसे लग रहे हैं। देन बाथटब, एक बड़ा सा टब होता है जिसमें बैठकर हम नहाते हैं। देन टूथपेस्ट, टूथपेस्ट किस लिए काम आता है, ब्रश करने के लिए। हम ब्रश के ऊपर क्या लगाते हैं, टूथपेस्ट लगाते हैं। देन टॉयलेट पेपर, आफ्टर देन बाथ टॉवल, मतलब नहाने के बाद शरीर को पोछने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, टॉवल का। देन टैप, टैप का मतलब नल या फिर हम इसे टोटी भी कहते हैं जिससे पानी आता है। आफ्टर देन सोप, सोप मतलब साबुन, साबुन से हम नहाते हैं, अपनी बॉडी पर हम साबुन लगाते हैं और साबुन में से क्या आती है, बहुत प्यारी खुशबू आती है। देन वॉश बेसन, वॉश बेसन का यूज़ किस लिए होता है, देखो एक प्यारा सा बच्चा वॉश बेसन पर खड़ा होकर क्या कर रहा है, ब्रश कर रहा है और अपने आप को किस में देख रहा है, मिरर में देख रहा है। नाउ शॉवर कैप, शॉवर कैप क्या होती है, एक कैप होती है जो हम सर पर पहनते हैं, हेड पर। क्यों पहनते हैं कि जब हमें अपने हेयर को वॉश नहीं करना, तो देखो ये बच्चा नहा रहा है, इसने क्या पहना हुआ है, शॉवर कैप पहना हुआ है जिससे उसके बाल गीले नहीं होंगे। देन शॉवर, शॉवर का मतलब होता है फव्वारा, देखिए इसके हाथ में है ना, फव्वारे में नहाना सबको अच्छा लगता है, सबके बाथरूम में फव्वारा होता है। लेकिन बच्चों आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि ज़्यादा पानी वेस्ट नहीं करना चाहिए। आफ्टर देन टूथब्रश, टूथब्रश किस लिए काम आता है, टीथ को ब्रश करने के लिए टूथब्रश का यूज़ होता है।